वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेविटी एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है? फिजियोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है, एक चैप्टर बेसिकली, और ये ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, है इजी ही, लेकिन आप लोगों को थोड़ा टफ लगता है क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी आती है जो थोड़ी टफ हो जाती है आपके लिए। जैसे क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह होता है कि आपको इसमें क्या डेटा निकालना पड़ता है। ठीक है, आपको डेटा सेम टू सेम नहीं दे रहे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, आपको डेटा जब तक टेम्परेचर दिया हुआ है आपको वहां पे, तो आप डेटा वहां से निकाल लिया, लेकिन इसमें क्या होता है डेटा हिडन होता है। आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में डेटा एक्सट्रैक्ट करने आ जा रहा है तो बहुत ईजी होता है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होता है पूरा। ठीक है, फॉर्मूला है डेटा, अगर आपके अगर वैल्यू रखो आंसर लो। ठीक है, सेकेंड चीज, इसमें थोड़ा सा लॉग का यूज होगा। ठीक है, तो जब लॉग का यूज होगा तो आपको कम से कम उसकी बेसिक्स आनी चाहिए किसके, लॉगरिथम के। ठीक है, अगर नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। और इसमें कुछ कुछ पार्ट्स हैं ऐसे भी जो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम को की याद दिलाएंगे आपको, जैसे लिच एडलस प्रिंसिपल है, उसका यूज कभी कभी होने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और कोई भी क्लास मिस मत करना आप। ठीक है, अगर एक भी क्लास आप मिस करते हो तो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कभी कभी लाइफ में देखा ही होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे हम जब कहां डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो क्या होता है अपने आयन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, क्या होता है वो अपने आयन से ब्रेक होता है। जैसे मान चलो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, AB बोलता सॉलिड, जब आपने इसको डाला कहां पे, वाटर में, तो कैसे ब्रेक होगा ये, A+ एक्वस प्लस B- एक्वस। मतलब क्या होगा, उसने अपने क्या एक्वस आयन फॉर्म कर लिए। ठीक है, यही होता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट। बहुत इजी है, कुछ होता नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो अपने आयन से ब्रेक हो जाए, बस इतना ही याद रखना है आपको, और कुछ याद नहीं रखना है। इसकी डेफिनेशन लिख लो आप लोग, इसकी डेफिनेशन होती है द स्पीसीज विच गेट्स डिसोसिएटेड into ions on dissolving in water। ठीक है, तो क्या species which gets dissociated into ions on dissolving in water। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सॉरी यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर H2O liquid, हम यहां पर क्या ले रहे हैं H2O liquid। ठीक है, AB हमारे पास क्या था, AB क्या हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट का हमने कहां डाला, वाटर में। क्या हुआ ये, किसमें कन्वर्ट हो गया आपके, A+ और B- आयन्स में। हम लोग हमेशा H2O में ही क्यों डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, क्योंकि क्या है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो हमने बचपन से रट रखा है ना, ये क्या एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। प्लस एक चीज, नई चीज आएगी आपके पास, वो क्या होता है इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये एक फिजिक्स का टर्म है जो आप कब पढ़ोगे, 12th में पढ़ते हो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो। ठीक है, वहां पर आता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइप का नाम का चीज आता है। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेसिकली, बताऊंगा मैं आपको जो हम इसके फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वो 80 के आसपास होता है। ठीक है, एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी, आप उसको फिजिक्स में जाकर चेक कर लेना जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो। लेकिन इसे दो रीजन होते हैं H2O की यूज करने के लिए, कौन कौन सा, पहला तो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और दूसरा क्या होता है इसका डायलेक्ट कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो अब डालिए हेडिंग, इसके बाद डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, तो आपने सर सुना होगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, कम से कम आयनाइजेशन तो सुना ही होगा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, हेलो, आयनाइजेशन क्या प्रोसेस होता है बेसिकली आपका, तो पहले देख लेते हैं होता क्या है आपका, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, इसे हम लोग शो करते हैं इसे अल्फा से, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे
वहां पे आपका अल्फा का यूज होने ही होने वाला है, अल्फा के बिना कोई क्वेश्चन आपका आया नहीं वाला नहीं वाला, ठीक है। जेई का जो पेपर या नीट का जो आप, वहां पे अल्फा का यूज होगा ही होगा, इसीलिए बहुत यूजफुल है। और इसे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखा होगा, ठीक है, वहीं पढ़ाया जाता है क्या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है क्या, बेसिकली ये क्या था, द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम्ड, ठीक है, क्या था आपका द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम्ड, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कितना फ्रैक्शन यूज हो रहा है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू कहां तक होती है, जीरो से वन तक, न तो ये जीरो होगा न ही वन होगा, ठीक है, ये कहां होता है, जीरो से वन के बीच में लाई करता है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, मतलब कितना परसेंट कंज्यूम हो रहा है, वही क्या होता है आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं बताऊंगा मैं बाद में आपको। उसके बाद हम क्या फिर से लोग आते हैं कहां पे, इलेक्ट्रोलाइट पे। इलेक्ट्रोलाइट आपके पास दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सेकेंड होता है आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। देखो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा फोकस वाली बात है वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, 90% टाइम हम लोग इसी के साथ डील करेंगे, ठीक है, और 10% टाइम हम लोग इसके साथ डील करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बहुत इजी होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा टफ जाता है, क्योंकि ये पहली बार आया है आपके लाइफ में, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो 100% क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, ठीक है। मतलब अगर आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया उसे डाला पानी में, अगर वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो क्या हो, पार्शियली आयोनाइज हो, पार्शियली मतलब 60%, 70%, 50%, 40%, ठीक है, मतलब 100% आयोनाइज ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे मान चलो NaCl, NaCl क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसे जब हम लोग डालते हैं कहां पे, वाटर में जब डालते हैं हम लोग H2O लिक्विड में, तो ये क्या फॉर्म करता है आपका, Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस, ठीक है। अब थोड़ा सा मोल आएगा यहां पे, जैसे मान चलो अगर आपने NaCl जो लिया है उसकी वैल्यू क्या है, 0.1 मोलर, ठीक है। अगर आपने जो NaCl लिया है वो क्या है, 0.1 मोलर, तो जो आपका Na+ होगा यहां पे उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0.1 मोलर, और जो Cl- होगा वो भी क्या होगा, 0.1 मोलर। यही सबसे अच्छी खासियत क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब जो वैल्यू आपका रिएक्टेंट क्या होगा, वही क्या होगा आपका प्रोडक्ट का भी होने वाला है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लेफ्ट साइड में वैल्यू होगी 0.1, वही राइट साइड में होगा, जितने भी होंगे वहां 3, 4, 5, 6 हजार जितने भी होंगे, सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम टू सेम होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसे हम थोड़ा अलग से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि बार बार यूज हो गए, बार बार कहिए हमेशा यही यूज होने वाला है, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का सबसे फेमस एग्जांपल है आपका CH3COH, ठीक है। आपको पता है ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। ये ब्रेक कैसे होगा, देखो कोई भी एसिड ब्रेक कैसे होता है, वो अपना H+ दे देता है, तो यहां पर क्या करेगा, ये भी अपना H+ दे देगा, कैसे देगा, CH3CO- + H+, ठीक है। तो अब मान चलो कि इसकी मोलैरिटी है C, ठीक है, कब, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। देखो T=0 लिखने का मतलब क्या हुआ है, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब हमारे पास सारा का सारा क्या होगा, रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। क्यों, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, T=T, मान लो किसी भी टाइम पे, ठीक है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, टी पता नहीं क्या है, ठीक है,
कुछ भी हो सकता है। मान लो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, हमारे पास से ये क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, ठीक है। कितना डिसोसिएट होगा, अल्फा, और कितने का अल्फा, सी में से अल्फा होगा, ठीक है। सी का अल्फा डिसोसिएट होता है, इसका ध्यान रखना है हमेशा आपको, आपको सी माइनस अल्फा नहीं लिखना है कभी भी, ठीक है। आप बुक में देखोगे कि वन मोलर था उसका 0.2% या 20% डिसोसिएट हो गया, 20% मतलब उसका कितना हो गया 0.2, हम लोग यहां पे देते हैं, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 × 0.2, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो बात बराबर है। लेकिन अगर ये 1 की जगह पे क्या होता है, 2 होता, ठीक है, कि जो आपके c की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो जब अगर आपको दिखाना है यहाँ पे क्या डिसोसिएशन दिखाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 माइनस अल्फा डायरेक्ट नहीं लिख सकते, अल्फा मतलब 0.2 आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप क्या किसका 0.2 लिखोगे हमेशा, 2 का 0.2, ठीक है, मतलब 2 का 20%, और 2 का 20% कितना होता है, तो क्या होगा 0.4। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और ये बेसिकली है क्या लिखा हुआ आपका, सी माइनस सी अल्फा, ये अगर लिखने आ गया आपको तो आप मान चलो 30% चैप्टर आपका ऐसे हो जाता है, ठीक है, सिर्फ ये लिखने आना चाहिए आपको। तो हम लोग आते हैं अब फिर से देखते हैं इसको, देखो इसमें मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही लिखने नहीं आता है, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे कहां से। तो देखो मान चलो हमारे पास सी क्या है, इसकी मोलैरिटी स्टार्टिंग में मोल या मोलैरिटी दो भी लेवल ले लो, ठीक है, उसमें से क्या हुआ, अल्फा डिग्रेड हो गया, या बोलो क्या बोलते हैं, कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो यहां हो गया सी माइनस सी अल्फा, और हमें क्या बोलो, मैं जितना इसका कंज्यूम होगा उतना ही कितना होगा इसका फॉर्म, तो यहां पे भी क्या आएगा सी अल्फा और सी अल्फा, तो ये आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। अगर ये लिखने आ गया आपको तो मान चलो आधा काम तो आपका हो गया इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन का तरीका, ठीक है। और आप कुछ एग्जाम्पल, और हाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट जहां आपने लिखा था वहां पर लिख लो अल्फा इज लेस देन 1, और जहां पे आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखा था वहां पे लिख लो अल्फा इज इक्वल टू, या फिर सिमिलरली मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 और 100%, मतलब आपका जो डिसोसिएशन होता है वो कहता है 100% होता है, और यहाँ पे जो डिसोसिएशन होने वाला है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या होगा 100% से कम, वो कम कितना भी हो सकता है, ठीक है, 100, 90, 80, 60 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो हेडिंग डालो आप लोग अब, तो अब हम देने वाले क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक। इसमें हम लोग 4 फैक्टर पढ़ने वाले हैं जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या आपका, जो हमेशा होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो फैक्टर जब भी आता है तो सबसे पहले उसमें नेचर ही आता है, ठीक है, कि चाहे किसी का भी फैक्टर आ जाए, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या है लिखना है आपको, नेचर लिखना है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, स्ट्रांग है, दूसरा क्या है वीक। तो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है आपका, ठीक है, उसका क्या है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो 100% क्या हो जाता है, डिसोसिएट, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी 100% या फिर 1। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या होता है वो, उनका जो अल्फा होता है उससे क्या होता है, लेस देन 1, मतलब जितना जब भी वो डिसोसिएट होंगे क्या होंगे, लेस देन 1 ही होंगे, मतलब 100% से कम डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं क्या, सेकंड फैक्टर, और सेकंड फैक्टर है आपका दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। देखो सॉल्वेंट की नेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसे ब्रेक होगा और कितना ब्रेक होगा, ठीक है।
तो यही आपका सेकंड आपका क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पहला क्या था आपका, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसमें कुछ लिख लो आप लोग पहले, इफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट हैविंग हाई डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देन इट विल बी आयोनाइज्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक, दो क्या है, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं किसमें, एक सॉल्वेंट में, ठीक है, जिसका क्या ज्यादा है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, तब वो क्या होता है हाईली आयोनाइज होता है, मतलब जो उसका आयोनाइजेशन का जो लेवल है एक्सटेंट है वो क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो समझो पहले आप कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है क्या। मान के चलो ए और बी, ए भी एक कंपाउंड है, ठीक है, हमने क्या किया एक कोई भी मेटेरियल लिया, ठीक है, इस तरीके से, और बीच में इसके लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसके बीच में हमने लगाया, ये क्या करता है इन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर देता है, मतलब ए को अलग कर दिया उसने, ए प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरे को क्या किया उसने बी माइनस में कन्वर्ट कर दिया, और ये क्या आपका बेसिकली कोई भी सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो इस सॉल्वेंट का काम क्या है, ए और बी को ब्रेक करना, ठीक है, तो जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, मतलब इस जो सेपरेशन का होता है प्रोसेस, ठीक है, देखो होता क्या है बेसिकली, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ोगे, जैसे मान चलो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं, ठीक है, जैसे मान चलो ए और बी में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक इंसुलेटर डाल देते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, इंसुलेटर डाल दिया, तो इन दोनों के बीच में करंट का फ्लो स्टॉप हो गया, तो करंट का फ्लो अगर स्टॉप हो गया दोनों क्या हो जाएंगे सेपरेट आउट हो जाएंगे, सेम फंडा यहाँ पे लगता है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे एक सॉल्वेंट लेते हैं जिसका डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या हो ज्यादा हो, ठीक है, तो वो क्या करता है जो आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसे क्या करता है वो बढ़ा देता है या फिर बहुत ही ग्रेटर एक्सटेंट तक लेके चला जाता है। यही होता है कि आपका डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का फंडा, कि हमें करना कुछ नहीं है, ए भी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बीच में डालना है सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट मान चला आप क्या बैरियर है, ठीक है, वो बैरियर क्या करता है ए और बी को अलग अलग ब्रेक कर देता है किसमें, अपने आयंस में, या बोलो आप एक्वस आयंस में, ठीक है। तो कहीं पे साइड में आप लिख लेना नोट बना के, तो वॉटर हैज हायर या फिर बोलो हाइएस्ट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इट एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक, अब समझ में आया आपको कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि वाटर का जो होता है डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है बहुत ही ज्यादा, तो आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दो वो क्या करता है उसको ब्रेक कर देता है किसमें, उसके अपने आयंस में। अब थर्ड लिखते हैं हम लोग क्या, टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर क्या आपका, वो क्या है टेम्परेचर। तो देखते हैं टेम्परेचर कैसे इसको अफेक्ट करता है। तो थर्ड फैक्टर क्या आपका, टेम्परेचर। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका के होता है, ये केपी केसी जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है आपका, किस पर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, इसे आप भूल जाओ अभी, पहले आप ये देखो, जैसे मान चलो हमने ए भी लिया, ठीक है, इसे बहुत ही ज्यादा क्या दिया हमने, टेम्परेचर दिया, क्या होगा
ए बी ए क्या होगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा ये, ब्रेक, और ब्रेक क्या बन जाएगा ये, ए प्लस प्लस बी माइनस। एक जो तरीका ये है, ठीक है, किसका, आपका बॉन्ड ब्रेक करने का, ठीक है। तो अगर आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ए प्लस प्लस बी माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका जो डिग्री ऑफ फ्रैक्चर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है के किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो के भी क्या होता है, इंक्रीज। अगर के इंक्रीज होगा तो क्या, अल्फा भी इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा वो देखते हैं। जैसे ए बी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे देखो, ये ए प्लस प्लस बी माइनस, टी इक्वल टू जीरो पे ये कितना है सी, ये कितना है जीरो, ये जीरो। मान लीजिए कि जो आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा, ठीक है। तो वैसे ब्रेक होगा ये सी माइनस सी अल्फा, जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही क्या होगा, ये फॉर्म होगा ए सी अल्फा सी अल्फा। तो जब आप के की वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या आएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय सी वन माइनस अल्फा। तो सी से सी कटेगा, यहां पे क्या आया सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो हमें क्या मालूम है, ये जो अल्फा होता है ये आप जान लो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। तो अल्फा की जो वैल्यू होती है बहुत ही छोटी होती है, लेस 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 देन वन होती है। तो इसे हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम मतलब 99% टाइम इसे हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सी अल्फा स्क्वायर वन, ठीक है। मतलब के किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे, अल्फा। हमें क्या मालूम है, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, के इंक्रीज होता है। अगर के इंक्रीज होगा तो अल्फा भी क्या होगा, इंक्रीज। मतलब अगर टेम्परेचर का आप इंक्रीज करते हो तो आपका डिग्री ऑफ आयनेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड फैक्टर हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ फैक्टर। देखो ये जो थर्ड फैक्टर है इसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका ध्यान रखना है आपको, थर्ड फैक्टर का, किसका, टेम्परेचर का। अब आते हैं हम लोग कहां पे, फोर्थ फैक्टर पे। तो जो आपका फोर्थ फैक्टर है वो है क्या, डाइल्यूशन, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओसवाल्ड, या ओसवाल्ड बोल सकते हो, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। देखो ये क्या बोलता है, बेसिकली इसका कहना क्या है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट increases with increase in dilution, with increase in dilution। मतलब अगर आप dilution को increase कर रहे हो तो आपका क्या होगा यहाँ पे, अगर आप dilution बढ़ा रहे हो तो आपका जो degree of reaction है वो भी क्या होगा यहाँ पे, increase होगा, ठीक है। कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर से हम लोग लेते हैं ए बी एक्वस, ठीक है। इसे ब्रेक कैसे करेंगे हम लोग, ए प्लस प्लस बी माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से टी इक्वल टू जीरो लेंगे, ये सी ये जीरो ये जीरो। टी इक्वल टू जीरो मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो रिएक्शन क्या होगा पूरा हमारे पास, और प्रोडक्ट क्या होगा जीरो। अब रिएक्शन हो गया कुछ, टाइम बीत चुका है टी इक्वल टू टी पे, अब क्या होगा हमारे पास जो अल्फा है, सॉरी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है उसकी वैल्यू क्या है, अल्फा। क्या होगा सी में से क्या होगा, सी अल्फा कंज्यूम हो गया, जितना कंज्यूम होगा उतना ही क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। अब लिखेंगे इसके लिए के,
कैसे लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा सी इंटू सी माइनस सी अल्फा लिख लो, ठीक है। ऊपर क्या गया सी अल्फा स्क्वायर, नीचे क्या गया आपका सी वन माइनस अल्फा, सी से सी कट गया, सॉरी ऊपर सी स्क्वायर था ना, सी स्क्वायर तो सी सी कट गया, ऊपर क्या गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ठीक है। फिर से क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे क्या निगलेक्शन, ठीक है। निगलेक्शन क्या बोलता है आपका कि अगर अल्फा लेस 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 देन वन है, मतलब अल्फा जो है आपका वो बहुत ही क्या है छोटा है किससे वन से, तो हम लोग वन माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर अल्फा की वैल्यू लेस 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 देन वन आ रही है, मतलब वन से बहुत छोटी आ रही है, तब आपका निगलेक्शन क्या है ट्रू है, ठीक है। निगलेक्शन मतलब मान के चलो आप कि आप जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे आप अगर वन से कंपेयर कर रहे हो तो आप इसका 4 to 5% आप क्या कर सकते हो निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 4 to 5% मतलब 0.04 या 0.05, ठीक है। अगर वैल्यू उतनी है तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, तब आपके आंसर में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वैल्यू 10% के आसपास है, मतलब 1 से अगर आपने 0.1 को निगलेक्ट कर दिया, तब जो आपका आंसर में जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे कि कैसे निगलेक्ट कर, कहां पे निगलेक्ट करते हैं और कहां पे निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे आप k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई अपने पास सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास k बाई सी, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट k बाई सी। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नीट और मेन से पूछ दिया जाता है इसको कि जो डाइल्यूशन लॉ है उसमें अल्फा की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखिएगा अंडर रूट के बाई सी। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब समझने के बाद है यहाँ पे कि अगर अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई सी है, ठीक है, तो अगर अल्फा को इंक्रीज करना है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ आइलेशन को क्या करना है आपको इंक्रीज करना है, तो वो क्या करना पड़ेगा, ये तो आप के इंक्रीज करो, के इंक्रीज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, के क्या होता है कॉन्स्टेंट, बचा हमारे पास क्या सी, सी का है डोमिनेटर में, अगर डोमिनेटर की वैल्यू क्या करें हम लोग डिक्रीज कर दें, सॉरी अगर सी की वैल्यू हम लोग यहां पे डिक्रीज कर दें, हाँ सॉरी सही सर डिक्रीज कर दें, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, और सी क्या पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं उसे हम लोग डायल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटर मतलब क्या होता है आपका मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट, और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है आपका मोर सॉल्वेंट और लेस सॉल्यूट, मतलब हम अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग सी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे अल्फा की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी लिख लो स्टार बना के कि ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, ठीक है, लिख लो ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखते हैं कि किसका बहुत ज्यादा यूज होता है कॉमन आयन इफेक्ट का, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे उसको हम लोग और देखेंगे कि क्या होता क्या है तो बहुत ईजी हो लेकिन आता बहुत बार है, वो जितने भी आप क्वेश्चन करोगे उसे अगर टफ करना है तो वहां पर कॉमन आयन इफेक्ट लगाया जाता है, उसे अगर इंट्रोड्यूस किया गया क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन को टफ करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हेडिंग ला लो आप लोग और लिखो कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। देखो कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है, जैसे मान चलो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और
और आपके पास एक क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मालूम है आपको, जिसमें क्या हो 100% एसोसिएशन, और वीक में क्या होता है लेस देन 100% एसोसिएशन, ठीक है। अब देखिए आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो हमें क्या मालूम है कि अगर हमारे पास, जैसे मान के चलो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान के चलो आप यहां पर लेते हैं HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, और CH3COH में क्या लेते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब HCl ब्रेक होगा आपका कैसे ब्रेक होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ऐसे ब्रेक होगा आपका CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब देखो दोनों में ध्यान से देखिए आप कि यहां जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें भी क्या है H प्लस, और आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें भी क्या है H प्लस, ठीक है। तो जब हम लोग फॉर्मूले में या फिर जो आपका आइडेंटिटी है उसमें जब H प्लस की वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो आप बोलोगे आप किसके लिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों को ऐड कर दो या फिर इसके ले ले या फिर इसके ले ले, ठीक है। तो किसके लेनी है आपको ऐसे मालूम करना पड़ेगा, आपको हमेशा याद रखना अगर किसी भी कॉमन आयन इफेक्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो याद रखना जितने भी कॉमन आयन होगा, H प्लस यहां पर क्या है कॉमन आयन, ठीक है, कॉमन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कहां से आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। सारा का सारा जो क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू होगी जो आप पुट करोगे कहां पे, अब अपने क्वेश्चन में सॉरी अपने आंसर में, वो सब के सब कहां से आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो HCl की वैल्यू होती है वो सेम टू सेम H प्लस की वैल्यू होती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है ये कुछ डिसोसिएट होता है, समान इसकी वैल्यू C थी इसके लिए क्या जाएगी सी अल्फा सी अल्फा, ठीक है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है ज्यादा और इसकी वैल्यू क्या है कम। तो जब आप इसे उसको कंपेयर करोगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वैल्यू लेते हैं किसमें क्वेश्चन में, और उसी से अपना सारा सारा आंसर लाते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कॉमन इफेक्ट का, तो लिखो आप लोग लिखो द सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट ठीक है। सप्रेशन मतलब क्या होता है किसी चीज को सप्रेस करना या फिर उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना, ठीक है। तो क्या हो गया आपका द सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ए कॉमन आयन, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, मतलब आपके पास कॉमन आयन होना ही चाहिए, बिना कॉमन आयन के आप कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है, इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो चलो इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पहले, तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये है क्या। तो क्वेश्चन लिखो इस पे कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ CH3COH इन 0.1 मोलर HCl
सॉल्यूशन। और यहाँ पे आपको K की वैल्यू जो दी गई है, यहाँ पे कितना दिया गया है आपको, 1.8 into 10 की पावर माइनस 5, ठीक है, ये आपको K की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखो HCl, ठीक है, एसिड लिखोगा H प्लस प्लस Cl माइनस, जरूरत नहीं लिखने की, क्रियो लिखेंगे यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। ये क्या आपका 0.1 मोलर, हमने क्या बोला आपको, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जितना इसकी वैल्यू होगी उतनी इसकी वैल्यू, उतनी इसकी वैल्यू, तो 0.1 मोलर और 0.1 मोलर, ठीक है। अब CH3COH ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, ये दो, ये क्या आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इस तरीके से ब्रेक होता है, लेकिन रिवर्सिबल तरीके से, तो कैसे होगा आपका H प्लस प्लस CH3CO माइनस, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या बोला गया CH3COH, ठीक है, इसके वैल्यू दी गई है क्या आपको, नहीं दी गई है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, C मान लेते हैं, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे ये C था, ये क्या होगा 0 0, टाइम इक्वल टू t पे क्या होगा, ये C माइनस C अल्फा, ये क्या होगा C अल्फा, ठीक है, K, ठीक है। तो टोटल H प्लस कितना होगा यहाँ पे, टोटल H प्लस टोटल हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0.1 प्लस सी अल्फा। और हमने क्या पढ़ा अभी कि जो भी आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आएगा H प्लस का, वो कहां से आएगा, पूरा पूरा स्ट्रॉन्ग वाले इलेक्ट्रोलाइट से, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लगभग 0.1 के ही बराबर होगी, क्योंकि ये सी अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बहुत ही कम, क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अल्फा इज लेस देन 1, ठीक है। तो अगर हमने मान के चला यहाँ पे कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, जो अल्फा की वैल्यू क्या है, बहुत ही यहाँ पे कम है, जो टोटल H+ की वैल्यू आएगी क्या आएगी, वो 0.1 के बराबर ही आएगी। तो अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे K लिखते हैं बेसिकली, ठीक है, कैसे लिखेंगे K, हम लोग यहाँ पे CH3CO- H+ हम नीचे क्या लिखेंगे CH3COH, ठीक है। अब K की वैल्यू क्या दिखाई है क्वेश्चन में आपको, 1.8 into 10 की पावर माइनस 5, ठीक है, CH3CO- की वैल्यू क्या है अपने पास, C अल्फा, ठीक है, उसके बाद H+ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कितना यहाँ पे 0.1, और नीचे क्या आ गया आपके पास C1- माइनस अल्फा, सी से सी गायब। हमने यहाँ पे क्या लिया है कि अल्फा क्या है, बहुत ही लेस देन 1 है, ठीक है, अल्फा लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1 ही आने वाली है, तो K क्या आ गया 1.8 into 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा इंटू 0.1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4, या फिर बोल लो से क्या बोल सकते हैं हम लोग, 0.00018, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये क्या बहुत ही कम है, किससे, 1 से, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे नेग्लेक्शन किया है किसका, अल्फा का, किसके कंपेयर में, 1 के कंपेयर में, वो क्या है, सही है, वो यही से मालूम पड़ता है जब हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अगर यही अल्फा की वैल्यू क्या थी, 0.18 आता, तब हम लोग जो हमने नेग्लेक्शन किया है वो क्या हो जाता है, गलत, और फिर हमें दोबारा फिर यहां से स्टार्ट करना पड़ता, कहां से, 1.1 प्लस सी अल्फा, तो जब यहाँ पे H+ की जो वैल्यू रखते हैं हम क्या रखते हैं, 0.1 प्लस सी अल्फा, लेकिन वो कब रखते हैं, जब अल्फा की वैल्यू क्या आती है, 0.18, मतलब 1 से जो कंपेरेबल हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा आज का, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस थ्योरी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो या फिर हमें मैसेज कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।